बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कना लदो या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाजे हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आईन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं दो तीन बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है, मैं पब्लिक में 50 साल से हूं। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आईन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरमन करूं, आईन जो मुझे हक देता है पुरमन एहतजाज का, उसके बीच में रहकर करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आजादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसलत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आजादी का। यह वक्त आ गया है कि आप सब अपने हकूक के लिए निकलें।